मंगलवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने श्रावण अष्टमी नवरात्रों में शक्तिपीठ ज्वालामुखी में शीश नवाया। इस दौरान मंदिर के पुजारी नितिन शर्मा ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई। सांसद प्रतिभा सिंह ने हवन यज्ञ में भी आहूतियां डाली। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता के सहयोग से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस नेत्री मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने आज श्रावण अष्टमी के पांचवे नवरात्र सुबह विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में माता के दरबार में हाजरी भरकर शीश नवाया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक संजय रत्न व समर्थक भी भारी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर के पुजारी नितिन शर्मा ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि माता ज्वाला का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और माता ज्वाला की कृपा ऐसे ही बने रहे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और जनता सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग करेगी। हमने पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जनता की सेवा की है। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता के चरणों में अर्ज है कि सभी को सुख समृद्धि दे और सभी के घर में कुशल रहे सब। हम माता से अर्ज करते हैं, भगवान अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखे। माता अवश्य हमारे को अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमने निष्ठा से ईमानदारी से जनता की सेवा की है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो चुनाव आ रहे हैं इसमें लोग अपना मत कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में पूरा सहयोग जनता का मिलेगा। इस दौरान मंदिर प्रशासन की तरफ से सांसद प्रतिभा सिंह को माता की तस्वीर व चुनरी भी भेंट की गई। ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।